सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सर, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल इंग्लिश ग्रामर कोर्स। तो जनरल इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस जनरल इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हम वह ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं जो हमें अंग्रेजी बोलते समय यूजफुल होता है। ये ऐसा कंपल्सरी ग्रामर है कि यदि आप यह ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप में अंग्रेजी बोलते समय आप यदि गलतियां करोगे तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो आपको कभी भी फ्लुएंसी नहीं आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इंग्लिश ग्रामर पता हो, और यदि हमें इंग्लिश ग्रामर ही पता नहीं है तो मेरे ख्याल से हम करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, और यदि हम करेक्ट नहीं बोल सकते हैं तो हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, और यदि हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं तो हम कभी भी अंग्रेजी में फ्लुएंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी ग्रामर में वही ग्रामर इस कोर्स में आप पढ़ने जा रहे हो जो आपके बोलने के लिए जरूरी है। अब देखिए, अंग्रेजी में तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। एक रहता है नाउन, मेरे पीछे बोलो जी, अर्चना जी मेरे पीछे बोलो, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, कंजक्शन और इंट्रोजक्शन एंड इंट्रोडक्शन। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके आधार पर ही हम ये पूरा जनरल इंग्लिश ग्रामर कोर्स पढ़ने वाले हैं। यदि आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए तो आपको पूरी अंग्रेजी आ गई है, क्योंकि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है तो अंग्रेजी के पार्ट्स है, अंग्रेजी के जो स्पीच के पार्ट्स है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है नाउन। नाउन का मतलब होता है अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, मतलब एक शब्द जो नाम देता है। किसको नाम देता है? नाउ पर्सन को, प्लेस को और थिंग्स को, जो नाम देता है उसे बोलते हैं नाउन, उसे बोलते हैं नाउन। तो हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं कि ये जो नाउन है वो नाउन भी 2 प्रकार के नाउन्स रहते हैं। एक रहता है कॉमन नाउन और एक रहता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या? अ वर्ड विच इज कॉमनली यूज्ड टू नेम अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग, मतलब ऐसा शब्द जो कॉमनली पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? अ वर्ड विच इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू नेम अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग, मतलब एक शब्द जो पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए पर्टिकुलरली यूज किया जाता है उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन मतलब जैसे एक्टर है तो एक्टर एक कॉमन है, बहुत सारे एक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन कितने हैं? एक ही है, एक ही है। तो अमिताभ बच्चन हो गया क्या? हो गया प्रॉपर नाउन, हो गया प्रॉपर नाउन। और एक्टर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। तो प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया में कितने देशों के, तो कितने तो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। और नरेंद्र मोदी ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया। नरेंद्र मोदी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही कंट्री, इस दुनिया में बहुत सारे कंट्री है, तो कंट्री ये क्या हो गया? कॉमन कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इंडिया ये क्या है? इंडिया ये प्रॉपर नाउन कंट्री है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज, ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारे कॉमन नाउन्स है, बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स है। तो आज मैंने आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में क्यों बोला क्योंकि आज हम फर्स्ट अंग्रेजी ग्रामर का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें फर्स्ट लेसन जो है वो आर्टिकल द है। तो मुझे आपको ये बताना है कि द आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। अब कोई भी आर्टिकल हो, जैसे ए आर्टिकल हो, एन आर्टिकल हो या द आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल हो वह सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है।
तो कॉमन नाउन में ही आर्टिकल यूज किया जाता है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। तो आर्टिकल भी दो प्रकार के हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल, आप इधर देख सकते हो, डेफिनेट इनडेफिनेट। एक है डेफिनेट आर्टिकल मतलब द, और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब और एंड एंड। मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही यूज होता है, पर्टिकुलर नाउन मतलब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब ए और एन। आज के लेसन में हम आर्टिकल द पढ़ने वाले हैं और कल के लेसन में हम इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो देखो आपको अंग्रेजी ये सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग तो अंग्रेजी नहीं है। तो हम यदि अंग्रेज देश में जाकर के मतलब इंग्लैंड में जाकर के रहेंगे तो अराउंड 1.5 से 2 साल में हम अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं? लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग, मतलब लिसन करेंगे, स्पीक करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। लिसन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, स्पीकिंग करेंगे तो अपने आप अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन कितने साल लगेंगे उसके लिए? 2 साल लगेंगे। लेकिन आप इंडिया में रहकर ही यदि आप अंग्रेजी कैसी बोली जाती है उसके नियम यदि एक महीने में आप पढ़ोगे और उसके बाद उस नियमों के हिसाब से आप अगले 2 महीने में प्रैक्टिस करोगे तो आपको 2-3 महीने में इंडिया में रहकर ही अंग्रेजी बोलने आ जाएगी। इसलिए ग्रामर जरूरी है। आपको इंग्लैंड में जाकर के 2 साल रहने पर आपको आराम से 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा आ जाएगा। तो आपको सोचना है इंग्लैंड में जाकर के 2 करोड़ रुपया खर्च करना है या इंडिया में रह करके 9-10 हजार में अंग्रेजी बोलना सीखना है। समझ में आया? और वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि आप करेक्ट बोलोगे तो आगे वाला करेक्ट अंडरस्टैंड करेगा। आगे वाला करेक्ट अंडरस्टैंड करेगा तो आपको रिस्पांस दे देगा, और आपको रिस्पांस देगा तो आप उनको रिस्पांस दोगे, तो एक दूसरे को रिस्पांस मिल जाएगा तो आपकी अंग्रेजी फ्लुएंट बन जाएगी। जहां रिस्पांस बंद हो गया तो वहां अंग्रेजी फ्लुएंट होना बंद हो गई। इसलिए अंग्रेजी के बोलने के नियम ही अंग्रेजी की ग्रामर है। अंग्रेजी की ग्रामर मतलब अलग कुछ नहीं है, अंग्रेजी बोलते समय जो हम नियम के साथ बोलते हैं उसे ही अंग्रेजी ग्रामर बोलते हैं। हम हिंदी में भी देखो, हम बोलते हैं महेश घर जाता है और आकांक्षा घर जाती है। हम ऐसा बोलते हैं क्या कभी कि आकांक्षा घर जाता है महेश घर जाती है? ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं बोलते कभी भी। मतलब जेंडर चेंज हो जाएगा ना, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग यूज करते हैं, महेश जाता है बोलते हैं और आकांक्षा जाती है बोलते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी में भी कुछ नियम है, उनके साथ हम पढ़ेंगे तो अंग्रेजी बहुत सरल हो जाएगी और आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अंग्रेजी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलो पहला नियम पढ़ते हैं आर्टिकल द का। देखो पहला नियम क्या है, कोई भी थिंग्स प्लेस या पर्सन को आपको विशिष्ट करना है तो आपको द का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू फोकस और इफ यू वॉन्ट टू मेक पर्टिकुलर थिंग्स प्लेसेस और persons, देन वी यूज द आर्टिकल। मतलब किसी भी थिंग्स को हमें फोकस करना है, मतलब उस थिंग्स के बारे में बोलना है या किसी पर्सन के बारे में बोलना है या किसी प्लेस के बारे में बोलना है, मतलब विशिष्ट करके बोलना है, सामान्य रूप से नहीं, विशिष्ट करके बोलना है। जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे मैंने आम खाया, वह आम बहुत टेस्टी था। मतलब वह आम मतलब क्या? जो खाया हुआ आम। ओके ओके, उस दरवाजे को खोलो, उस दरवाजे को खोलो मतलब क्या? वो पर्टिकुलर डोर के बारे में हम बोल रहे हैं, सभी डोर्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर डोर के बारे में बोल रहे हैं। ओके, मोबाइल को इधर लाओ, तो मोबाइल को उधर लाओ मतलब सभी मोबाइल के बारे में बोल रहे हैं क्या? एक मोबाइल के बारे में बोल रहे हैं। तो हम ऐसे यदि आपको किसी थिंग्स के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी पर्सन्स के बारे में यदि आपको पर्टिकुलर करके बोलना है तो आपको यूज करना है द आर्टिकल। समझ में आ गया अभी द आर्टिकल कहाँ यूज करना है। लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे पीछे बोलना है इसके कोई एग्जाम्पल्स तो आपको क्या हो जाएगा, इसका फायदा समझ में आएगा, तुरंत फायदा मिल जाएगा। ओके, मेरे पीछे बोलिए, लेकिन
अंग्रेजी आप कितना सोचते हो, कितना लिखते हो, कितना पढ़ते हो, उससे कुछ भी आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आने वाली है। स्विमिंग करना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, ड्राइविंग करना है तो हाथ में स्टीयरिंग लेना पड़ेगा, कुकिंग करना है तो हाथ में कुकिंग के सभी सामान लेने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपने सोचा कि बिना पानी के मैं तैरना सीखूंगा, होगा नहीं। बिना स्टीयरिंग के मैं ड्राइविंग सीखूंगा, होगा नहीं। ऐसे ही यदि आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तभी आपको अंग्रेजी बोलना आएगा। इसलिए हम अंग्रेजी बोल रहे हैं डायरेक्टली और अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो समझना तो जरूरी है भाई, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको वो तोता जैसा हो जाएगा। जैसे तोता रट कर बोलता है वैसे हम बोलने लगे। तो रटी हुई विद्या तो दो चार दिन चलती है, लाइफ उम्र भर तक नहीं चलती है, नहीं चलता। इसलिए हमें कभी भी क्या करना है, हमें कभी भी समझ के बोलना है। तो अभी हमने समझ लिया कि अंग्रेजी में द कैसे यूज करते हैं, अभी हमें बोलना है, क्योंकि बोलेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे नहीं तो बोलना आएगा नहीं। तो मेरे पीछे बोलिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन, गो टू द बैंक, गो टू द बैंक, टॉक टू द बैंक मैनेजर, टॉक टू द बैंक मैनेजर, गेट द लोन अकाउंट फॉर्म, गेट द लोन अकाउंट फॉर्म, फिल आउट द लोन अकाउंट फॉर्म, फिल आउट द फिल आउट द लोन अकाउंट फॉर्म, फिल आउट द फिल अकाउंट फॉर्म, ओके, अटैच द डॉक्यूमेंट्स, अटैच द डॉक्यूमेंट्स, सबमिट द लोन अकाउंट एप्लीकेशन, सबमिट द लोन सबमिट द लोन अकाउंट एप्लीकेशन, लोन अकाउंट एप्लीकेशन, गेट द एक्नॉलेजमेंट, गेट द सॉरी, गेट द एक्नॉलेजमेंट, गेट द एक्नॉलेजमेंट, विजिट द बैंक आफ्टर 15 डेज, विजिट द बैंक आफ्टर 15 डेज, टॉक टू द बैंक मैनेजर, टॉक टू द बैंक मैनेजर, गेट द लोन अमाउंट चेक, गेट द लोन अमाउंट चेक, गो टू द बिल्डर, गो टू द बिल्डर, लुक डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लुक डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लुक एट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लुक एट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सिलेक्ट द फ्लैट, सिलेक्ट द फ्लैट, सिलेक्ट द फ्लैट, सिलेक्ट द फ्लैट, गिव द लोन अमाउंट चेक, गिव द लोन अमाउंट चेक, गेट द रेडी पोजीशन ऑफ द फ्लैट, गेट द रेडी पोजीशन ऑफ द फ्लैट। मतलब हमने कितने सारे थिंग्स को, कितने सारे प्लेसेस को, कितने सारे पर्संस को हमने पर्टिकुलर किया। तो अंग्रेजी में द का यूज बहुत होता है, इसलिए मित्रों द का यूज करना है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना है, जहां आवश्यक है वहां ही यूज करना है। ओके, अभी दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, यदि पहले से यदि हमें मालूम हो तो द का प्रयोग करते हैं। मतलब कॉमन नाउन के साथ ही हम द का प्रयोग करते हैं, ये तो पहले ही मैंने बता चुका हूं। लेकिन वह भी कब करते हैं, यदि पहले सेंटेंस में, यदि पहले सेंटेंस में कॉमन नाउन आ चुका है और वही कॉमन नाउन और एक बार यदि रिपीट हो चुका है दूसरे सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस हैज अ कॉमन नाउन एंड इफ द सेम कॉमन नाउन इज रिपीटेड इन द नेक्स्ट सेंटेंस, देन वी यूज द आर्टिकल विद द नेक्स्ट सेंटेंसेस विद दैट सेम कॉमन नाउन, विद दैट सेम कॉमन नाउन। मेरे पीछे बोलो, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, आई एट अ मैंगो, I ate a mango. The mango was tasty. The mango was a tasty. Okay, I ate a mango मतलब मैंने mango खाया और वो mango कैसा था? The mango मतलब खाया हुआ mango. I ate a mango. The mango was tasty. मैंने आम खाया और वो आम बहुत tasty था. Understand? तो वहाँ आपने second sentence में क्या किया है? Use the use किया है. The use किया. First sentence में a use किया है. ये ध्यान रखना हमें. मेरे पीछे बोलिए. I ate a mango. I ate a mango. The mango was tasty. The mango was a tasty. Very good. I asked a question. I asked the question. The question was difficult.
the question was a difficult. He watched a movie. The movie was interesting. The movie was interesting. I bought a new car. I bought a new car. The car was very costly. The car was very costly. I talked to an officer. I talked to as an officer. The officer was very honest. The officer was very honest. I watched a movie. I watched a movie. The movie was super flop. The movie was a super flop. Got it? ऐसे yes. हमने जो first sentence में common noun है उसको अभी दूसरे sentence में repeat करते समय हमने दूसरे sentence में उसके साथ क्या use किया है? The use किया है. The use देखो third rule क्या है? Third rule. शाश्वत वस्तु के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं. शाश्वत वस्तु मतलब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ. मतलब इस दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हम हैं तभी भी रहेंगे, हम नहीं थे तभी भी थे, तभी भी हम नहीं रहेंगे तभी भी वो रहेंगे. जैसे सन है, अर्थ है, मून है, तो उनके साथ हमें क्या करना है? यूज द यूज करना है. द यूज करना है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. The sun rises in the east. The moon sets in the east. The moon sets in the east. The earth moves around the sun. The earth moves around the sun. Very good. बहुत अच्छा. देखो जब तक बोलेंगे नहीं मेरे पीछे बोलना है, इसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन है. यदि देखो हमें बचपन में हमें हमारी मम्मा क्या कहती थी, आओ बुला के लेते थे. हाँ, तो वो बुला के लेती थी, आओ बोलो बेटा आओ. तो हम क्या आओ तुरंत बोलते थे क्या? हम क्या बोलते थे? पहले अ अ, उसके बाद आ, उसके बाद ओ आओ. तो आओ बोलते बोलते मम्मा क्या बोलती थी? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा. तो मेरा काम यही है, मेरा काम है आपसे बुलवाना, और तब तक बुलवाना जब तक आप फ्लुएंट नहीं बन पाते. नहीं आता है. ओके, तो बोलते बोलते समय हम भी समझने लगते हैं कि ये क्या हम बोल रहे हैं. जैसे बचपन में हमें जब भी पानी चाहिए था तो हम माँ के पास जाकर के सिर्फ हाथ हिलाते थे क्या? नहीं. क्या करते थे? मम्मा पानी दो, ऐसा बोलते थे. क्यों बोलते थे? क्योंकि मम्मा ने ही सिखाया था कि पानी चाहिए तो ऐसा बोलना है. ऐसे ही मेरे पीछे बोलते रहना है, क्योंकि लैंग्वेज जो है जितना आप फॉलो करोगे लोगों को उतना ज्यादा आप फ्लुएंट हो जाओगे, उतना ज्यादा लोग भी चेंज हो जाएगा. बड़े बड़े एक्टर्स को सुनो, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को सुनो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को सुनो, यूट्यूब के बड़े बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस देखो. तो जितना आप लोगों को फॉलो करोगे, उनको जितना सुनोगे, उतनी आपकी अंग्रेजी फ्लुएंट बन जाएगी. ऑलराइट, तो अभी आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ कि हमें कैसे करना है. ओके, the is used in expressions such as middle of, top of are generally preceded. मतलब जैसे middle of the है, top of the है, front of the है, back of the है, corner of the है, ऐसे जो expressions है, उन expressions के साथ क्या करते हैं? हम the article का use करते हैं. The article use. उन expressions के साथ क्या करते हैं? The articles use करते हैं. Okay? मेरे पीछे बोलना है. This is the middle of the floor. This is the middle of the hall. This is the front of the floor. This is the front of the floor. This is the back of the table. This is the back of the table. This is the edge of the letter. This is the edge of the letter. This is the corner of the house. This is the corner of the house. This is the side of the desk. This is the side of the desk. That is the middle of the table. That is the middle of the table. That is the front of the book. That is the front of the book. That is the back of the house. That is the back of the house. That is the corner of the desk. That is the corner of the desk. That is the side of the table. That is the side of the table. That is the corner of the hospital. That is the corner of the hospital. देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ही हम negative कर रहे हैं. तो negative करना है मतलब not डालना है उसमें. तो मैं बोलूंगा this is the middle of the door. आपको बोलना है this is not the middle of the door. क्या बोलना है? This is the not middle of the floor. This is के बाद सिर्फ not डालना है और बाकी जैसा का जैसा बोलना है. Not. This is not the middle of the door. Okay. मुझे आप negative sentences बताना है जी. Okay. This is the middle of the door.
दिस इज द नॉट मिडल ऑफ द फ्लोर. इसके बाद नॉट लगाना है. दिस इज नॉट द मिडल ऑफ द फ्लोर. दिस इज ओके. दिस इज नॉट मिडल ऑफ द फ्लोर. दिस इज नॉट द मिडल ऑफ द फ्लोर. दिस इज नॉट द मिडल ऑफ द फ्लोर. वेरी गुड. दो बार आ रहा है. देखो दो बार आ रहा है. ओके. दिस इज द मिडल ऑफ द फ्लोर. This is the not the middle of the floor. देखो इधर लिखा है this is, उसके बाद not लगाना है. इधर लिखा है that this is not the middle of the floor. Yes. Very good. अभी बोलिए. This is the middle of the floor. This is not the middle of the floor. Very good. This is the front of the table. This is not the front of the table. टेबल. और एक बार आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे सुन करके नेगेटिव सेंटेंसेस बोलो. दिस इज द फ्रंट ऑफ द टेबल. दिस इज नॉट द फ्रंट ऑफ द टेबल. दिस इज द बैक ऑफ द लेटर. दिस इज नॉट द बैक ऑफ द लेटर. दिस इज द एज ऑफ द बुक. This is not the aged of the book. Very good. बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप. ऐसे आराम से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे आप. This is the corner of the house. This is not corner of the house. This is the side of the desk. This is not the side of the house. This is the top of the house. This is not the top of the house. अभी that में use करते हैं. That is the middle of the floor. आपका mute हो चुके हो जी, अर्चना जी. That is the middle of the floor. That is not the middle of the floor. That is the front of the table. That is not the front of the table. That is the back of the letter. That is not the back of the letter. That is the edge of the house. That is not the edge of the letter. That is the corner of the house. That is not the corner of the house. That is the side of the floor. That is not side of the house. That is the top of the table. That is not top of the table. Very good. अभी थोड़ा सा question answer का भी practice करते हैं इसी में. Question answer करते समय आपको क्या करना है? Is को पहले लेना है question करते समय. Okay? मेरे पीछे बोलो. Is this the middle of the floor? Is this the middle of the floor? आपको answer देना है. Yes, this is the middle of the floor. No, yes, this is not the middle of the floor. Okay. Yes, मेरे पीछे बोलो. Yes, this is the middle of the floor. Yes, this is the middle of the floor. No, this is not middle of the floor. This is not the middle of the floor. मुझे मेरे पीछे बोलो. No, this is not the middle of the floor. No, this is not the middle of the floor. Okay, सीखते समय ये ध्यान रखना है कि पहले कुछ दिन स्लो अंग्रेजी का यूज करना है. और एक बार आपका दिमाग तेज हो जाएगा तो आपका स्पीकिंग भी उतना ही तेज हो जाएगा. तो पहले दिमाग को भी तेज करना है, स्पीकिंग अपने आप तेज होता जाएगा. ओके. तो अभी अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी है सभी को. ओके. मुझे मेरे पीछे बोलो. इज दिस द मिडल ऑफ द फ्लोर. इज दिस द मिडल ऑफ द फ्लोर. यस. इज दिस द मिडल ऑफ द फ्लोर. Yes, is this the middle of the floor? Yes, no. Yes, this is the middle of the floor. Yes, this is the middle of the floor. No, this is not the middle of the floor. No, this is not. मेरे पीछे बोलो. Yes. अर्चना जी आराम से बोलो मेरे पीछे. Yes, yeah. This is the middle of the floor. Yes, this is the middle of the floor. No, this is not the middle of the floor. No, this is not the middle of the floor. Not the middle of the floor. Not the middle of the floor. दो बार दो टाइम्स दो आएगा. अभी मुझे जवाब देना है आपको. Is this जवाब देना है yes or no में. Is this the middle of the floor? Yes, this is the middle of the floor. No, is this the middle of the floor? No, this is not the. Okay, no, this is not the middle of the floor. Very good. और एक बार यही पूछता हूँ, आराम से करेक्ट जवाब देना है. यही प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको. Is this the middle of the floor? Yes, this is the middle of the floor. No, this is not the middle of the floor. बहुत अच्छा. Is this the back of the door? Yes, this is the back of the door. Door. No, this is not the back of the door. Very good. Is this the end of the story?
Yes, this is a end of the story. No, this is the not end of the story. This is not the end of the story. Aram se jawab do. Is this the end of the story? Yes, this is the end of the story. No, this is the not end of the story. This is not the end of the story. Is this the beginning of the journey? Yes, this is a beginning of the story. No, this is not the beginning of the story. Is this the top of the mountain? Yes, this is the top of the mountain. No, this is not the top of the mountain. Is this the bottom of the mountain? Yes, this is a bottom of the mountain. No, this is not the mountain of the mountain. Very good. Bahut acha ji, bahut acha. अभी इसी में दिस और दैट में ही हम थोड़ा सा द का यूज कब करते हैं, जैसे बहुत सारा आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो आपको द का यूज करते हैं. ओके, तो मेरे पीछे बोलना है दिस इज द बिगिनिंग. ओके, अभी आपको क्वेश्चन आंसर करना कैसे करना है ये मालूम है, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे करना है मालूम है, तो आपको डायरेक्टली मेरे क्वेश्चन आंसर करना है. ओके, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? Yes, this is the beginning of the story. No, this is not beginning of the story. Is this the woman? Is this the woman? Yes, this is a woman. This is a human. Human and woman? Woman. Okay. This is the woman. No, this is not the woman. Is this the child? Yes, this is a child. No, this is not the child. Abhi pura sentence bolte hai. Is this the child who got the bravery award? Sorry? Is this the child who got the bravery award? This is the child. This is the child who got the bravery award. This is the child. Who got the bravery award? Who got the every? Bravery award. Okay. Is this the child who got the bravery award? Yes, this is the child. He got the bravery award. No, this is not the child. He got the bravery award. Okay, is this the child? Is this the place? Now this one, let's say, is this the place where you completed education? Yes, is this the place? Yes, this is the place. Sorry, this is the place where I completed education. Where I completed my education. Aur ek bar, aram se. Is this the place where you completed education? Yes, this is a place I complete. This is the place I completed education. This is not the place. Okay. No, this is not a place. I completed the education. Aur ek bar, dusra lete hain. Is this the house? Is this the house which you bought? Which you bought last month? Yes. This is a house. Which I bought last month. No. This is not a house I bought last month. Very good. Aur ek bar yahi jawab do. Is this the house which you bought last month? Yes, this is the house I bought the last month house. No, this is not house the last month which I bought last month. Very good. Abhi aapko char sentences banane hain. This is, that is, here is or there is. Mere piche bolo. This is the beginning. This is the beginning. That is the beginning. That is the beginning. Here is the beginning. Here is the beginning. There is the beginning. There is the beginning. This is the beginning. Yah beginning hai. That is the beginning. Vah beginning hai. Vah shuruaat hai. Here is the beginning. Yahan shuruaat hai. There is the beginning. Vahan shuruaat hai. Okay. Mere piche bolna hai aur ek bar. This is the beginning. This is the beginning. That is the beginning. That is the beginning. Here is the beginning. Here is the beginning. There is the beginning. There is the beginning. Aap boliye, this is the woman. This is the woman. That is the woman. Here is the woman. There is the woman. Bahut acha. Boliye, this is the child. This is the child. This is the child. That is the child. Here is the child. There is the child.
बोलिए दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दैट इज द टाइम, हियर इज द टाइम, देयर इज द टाइम. बोलिए दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, दैट इज द प्लेस, हियर इज द प्लेस, देयर इज द प्लेस. बोलिए दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, दैट इज द हाउस, हियर इज द हाउस, देयर इज द हाउस. बोलिए दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स, दैट इज द हॉर्स, हियर इज द हॉर्स, देयर इज द हॉर्स. बोलिए दिस इज द एंड, दिस इज द एंड, दैट इज द एंड, हियर इज द हैंड, देयर इज द एंड. बोलिए दिस इज द ओल्ड मैन, दिस इज द ओल्ड मैन, दैट इज द ओल्ड मैन, हियर इज द ओल्ड मैन, देयर इज द ओल्ड मैन. दिस इज द ऑफिस, दिस इज द ऑफिस, दैट इज द ऑफिस, हियर इज द ऑफिस, देयर इज द ऑफिस. दिस इज द एड्रेस, दिस इज द एड्रेस, दैट इज द एड्रेस, हियर इज द एड्रेस, देयर इज द एड्रेस. दिस इज द अमेरिकन, दिस इज द अमेरिकन, दैट इज द अमेरिकन, हियर इज द अमेरिकन, देयर इज द अमेरिकन. दिस इज द आवर, this is the hour, that is the hour, here is the hour, there is the hour. This is the university, this is the university, that is the university, here is the university, there is the university. This is the European, this is the European, that is the European, here is the European, there is the European. This is the uniform, this is the uniform, that is the uniform, here is the uniform, there is the uniform. बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है. अभी अब दूसरा और लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि द का यूज कहाँ यूज किया जाता है. द यूज, यूज द आर्टिकल टू मेक समथिंग, समवन और सम प्लेसेस पर्टिकुलर. मतलब हम यूज, जैसे आज्ञार्थक वाक्य है, बहुत सारे सेंटेंसेस जो रहते हैं जो ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल. मेरे पीछे बोलिए, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन, पंखा चालू करो, पंखा चालू करो, डोंट टच द फैन, डोंट टच द फैन, पंखे को स्पर्श मत करो, पंखे को स्पर्श मत करो. मतलब टर्न ऑन द फैन मतलब ये ऑर्डर है, मतलब पॉजिटिव ऑर्डर है, और डोंट टर्न ऑन द फैन मतलब ये नेगेटिव ऑर्डर है, और इसको आप यदि प्लीज लगाओगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगी. प्लीज टर्न ऑन द फैन मतलब कृपया आप फैन टर्न चालू करो. प्लीज डोंट टर्न ऑन द फैन मतलब कृपया आप पंखा मत चालू करो. तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि टर्न ऑन द फैन, तो आपको ऑर्डर सुनना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डोंट टर्न ऑन द फैन. आपको बोलना है पंखा चालू मत करो. मैं आपको बोलूंगा पंखा चालू करो, आपको बोलना है पंखा चालू मत करो. डोंट टर्न ऑन द फैन. ओके, मेरे पीछे बोलिए थोड़ा सा, टर्न ऑन द फैन, डोंट टर्न ऑन द फैन. वेरी गुड, बहुत अच्छा. मैं जो कुछ बोलूंगा उसको डोंट लगाना है आपको. ओके, टर्न ऑन द फैन, डोंट टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑफ द स्विचेस, डोंट टर्न ऑफ द स्विचेस, रिपेयर द कंप्यूटर, डोंट रिपेयर द कंप्यूटर, बाय द ओवन, डोंट बाय द ओवन, सेल द रेडियो, डोंट सेल द रेडियो, इंस्टॉल द टेलीविजन सेट, डोंट इंस्टॉल द टेलीविजन सेट, गिव द वॉच, don't give the watch, take the washing machine, don't take the washing machine, look at the refrigerator, don't look at the refrigerator, maintain the printer, don't maintain the printer, order the coffee machine, don't order the coffee machine, place the mobile, don't place the mobile, keep the cooler, don't keep the cooler, take out the inverter, don't keep the inverter, take out the inverter, don't take the out the inverter, stay away from the geyser, don't stay away in the geyser. Okay, abhi main negative order dunga, aapko positive order dena hai. Don't touch the machine, touch the machine. Bahut acha. Don't touch the fan, touch the fan. Don't move the switches, move the switches. Don't go near to the computer, computer. Okay, don't purchase the oven, purchase the oven. बहुत अच्छा. Don't destroy the radio, destroy the radio. Don't decorate the television set, decorate the television set. Don't check the watch, check the watch. Just a minute. Don't check the watch. Check the watch. Very good. Now don't change the washing machine. Change the washing machine. Don't separate the refrigerator.
separate the refrigerator. Don't misplace the printer. Misplace the printer. Don't share the copy machine. Share the copy machine. Don't shake the mobile. Shake the mobile. Don't show the cooler. Show the cooler. Don't pull the inverter. Pull the inverter. Don't push the camera. Push the camera. Don't wash the projector. Wash the projector. Okay, in this way हमने आज पढ़ा कि the article कहाँ use करना है. इस प्रकार आप ये जो 8 rules मैंने आपको बताए हैं the use करने के, यदि वो 8 rules आप अच्छी तरह से अंग्रेजी में use करोगे तो बहुत सारा आपका practice हो जाएगा. तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको इस किताब में जो fill in the blanks दिया है उसका आपको homework करना है, और उसके कारण क्या हो जाएगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत हो जाएगा. दूसरी बात और करना क्या है, यही वीडियो आपको जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, यही वीडियो आपको क्या करना है, आपको 10 बार देखना है. और सिर्फ देखना और सुनना नहीं है, आपको क्या करना है, देखना है, सुनना है और उसके पीछे बोलना है, और उसके पीछे बोलना है. तो आप ऐसे बहुत सारा बोलेंगे तो आप जरूर ही बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलेंगे, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलेंगे और आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी. ऑलराइट, आर यू एंजॉयिंग? यस सर. आर यू चीयरफुल? यस सर. आर यू एक्साइटेड? यस सर. ऑलराइट, बाय बाय. ओके सर, बाय बाय. आपको बोलना है बाय बाय, मैं बोलूंगा बाय बाय, आपको बोलना है सी यू अगेन, आपको बोलना है सी यू अगेन सर. ऑलराइट, बाय बाय. ओके, थैंक यू सर. बाय बाय, सी यू अगेन, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट.